स्वागत है बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट अकेडमी में। मैं गौतम सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्लास 12 से पॉलिटिकल साइंस का। हम जो लेंगे मैप। मैप में हम जो बेसिक जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो मैप से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में जो हमारे आए हैं, दोनों बुक को हम लेके चलेंगे। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमारे मैप के, वो जानते हैं हम। तो पहले फर्स्ट चैप्टर से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर हमारा शीतयुद्ध का दौर। शीतयुद्ध तो हमारा इस बार टर्म में तो हमारा नहीं रहा है। दूसरा है हमारा चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे किस तरीके से आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपने पढ़ा होगा CIS, स्वतंत्र राष्ट्र का राष्ट्रकुल, CIS जो कि 1991 में बना आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। सो इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज थी वो हमारी रूस, यूक्रेन एंड बेलारूस जो थी हमारी, इसके अंदर CIS के जो क्या थे वो पार्ट थे स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुल। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार, प्रथम खाड़ी युद्ध जिस देश के विरुद्ध चला, किसके देश, इराक के। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जिन इस्पात केंद्रों का स्थापना सोवियत संघ की मदद से की गई। तो भारत में जो इस्पात क्षेत्र जो लगाए गए, भारत के अंदर मोस्ट ऑफ जो हैवी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो लगाए गए, वो टाइम कहाँ कहाँ पर लगाए, भारत में भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, इन सभी जगहों पर हमारे लगाए गए। सो अब हम बात करते हैं हमारा जो फोर्थ चैप्टर है हमारा। फोर्थ चैप्टर में हमारा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिसे हम कहते हैं न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा मैप से, आशियन कंट्रीज़। तो आशियन के जो संस्थापक हैं, जिन्होंने क्या किया, इसके अंदर इन्वॉल्व थे हमारे आशियन के अंदर, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस, ये सभी देश क्या हैं हमारे आशियान के सदस्य हैं। अगर हम बात करें हमारा नए जो पांच देश और इसके अंदर जो शामिल हुए, जो ऐड हुए आफ्टर द आशियान के अंदर, वो हमारे कौन कौन से देश हैं वो हम जानते हैं, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, बुनेई और दरुस्लम और वियतनाम। ये जो पांच देश हैं जो कि बाद में इसमें ऐड हुए हैं आशियान में। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, यूरोपीय संघ के दो देश, ऐसे टू कंट्रीज़ के नेम बताइए यूरोपियन कंट्रीज़ की, जिनके पास क्या है परमाणु शक्ति, मतलब कि एटॉमिक एनर्जी, एंड द सिक्योरिटी काउंसिल के वो मेंबर भी हैं, फ्रांस एंड ब्रिटेन। लेकिन अब इनमें से क्या हो गया, ब्रिटिश क्या हो गया, हट गए हैं, फ्रांस फ्रांस हैं। चैप्टर फिफ्थ में से आपसे कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सार्क दचेस में शामिल देश कौन कौन से हैं, भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सारे भी। जो अफगानिस्तान है वो नया देश है, अगर आपसे पूछा जाए अफगानिस्तान सार्क के अंदर शामिल जो अभी न्यू जो मेंबर जो ऐड हुए हैं वो कौन से, हमारे अफगानिस्तान। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, और इसी से रिलेटेड हमारा जो आपसे पूछा जाएगा, कई ऐसे अगर क्वेश्चन आया हुआ है, सार्क का मुख्यालय हमारा कहाँ है, नेपाल में, काठमांडू नेपाल के अंदर हमारा जो है सार्क का मुख्यालय है, दचेस का जिसे हम कहते हैं। सार्क का पहला सम्मेलन हमारा बांग्लादेश ढाका में हुआ, 1985 में हुआ। आते हैं राजा ज्ञानेंद्र किस देश से संबंधित है, वो हमारे नेपाल से संबंधित हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, वह देश जहां 2006 में संवैधानिक राजतंत्र और था वो कौन सा था, जहां पर 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था वो था हमारा नेपाल। बच्चों आगे सार्क के दो द्वीप देश जो कि द्वीप देश हैं वो कौन से, हमारे मालदीप और श्रीलंका। तो मालदीप और श्रीलंका हमारे दो ऐसे देश हैं जो कि आए हैं हमारे द्वीप देश माने जाते हैं। सार्क का वो देश जहां पर SPA सेवन दलीय गठजोड़ बने, तो नेपाल है हमारा। सार्क वह देश जहां पर माओवादी, तो माओवादी शासन हम ये भी बता सकते हैं कि वो भी सार्क में हमारे नेपाल में है। अगला हमारा लिट्टे संगठन किस देश से संबंधित है, वो हमारा श्रीलंका से है। अगला सार्क वह देश, अगला हमारा क्वेश्चन है जो लिट्टे जो संगठन है वो किस देश से संबंधित है, तो लिट्टे जो हमारा है श्रीलंका से है बच्चों। लिट्टे जो समुदाय था जो कि श्रीलंका के अंदर जो जितने भी जो अल्पसंख्यक जो तमिल लोग थे उन्होंने अपने लिए एक अलग देश की मांग की थी, तो ये समुदाय हमारा श्रीलंका से है। सार्क का वह देश जो 1948 में आज़ाद हुआ, तो
सार्क के अंदर जो वो कौन सा देश है जो 1948 में आज़ाद हुए, तो वो थे हमारे श्रीलंका, भारत के 1 साल बाद आज़ाद हुए थे। और 1971 में आज़ाद जहाँ पर आवामी लीग दल बनाया गया वो कौन सा है हमारा, बांग्लादेश। सार्क वह देश जहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपति बने, तो वो कहाँ के बने थे, बांग्लादेश के पहले। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो हमारा भी चल रहा था चैप्टर। उसके बाद छठे चैप्टर से हमारा कौन सा पूछा जाएगा, अगर पूछते हैं आज से अगर हमसे, तो यूएनओ का हेड ऑफिस कहाँ पर है हमारा, अमेरिका न्यूयॉर्क में। और यूएनओ ये हमारा वही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, ये सभी क्या है हमारे संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। 5 मेंबर जिनके पास वीटो पावर भी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिस देश में स्थापित है वो कहाँ है हमारा, हॉलैंड में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, उनसे संबंधित देश, मतलब कि यूएनओ से रिलेटेड जितने भी जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं यूएनओ के, और वो किस कंट्री से संबंधित हैं, मतलब रिलेटेड हैं। ट्रॉगवी नॉर्वे से, ड्रैग हैमरसोल्ड, सबसे पहले ट्रैग ली थे जो कि यूएनओ के सचिव थे नॉर्वे से थे, और डैग हैमरसोल्ड जो कि स्वीडन से थे, यूथांट म्यांमार से, कुर्त वॉल्डहिम ऑस्ट्रिया से, और जेवियर पेरेस पेरू से। इस तरीके से अभी जो वर्तमान समय में जो हमारे हैं एंटोनियो गुटनरेस जो कि हमारे पुर्तगाल से हैं वर्तमान समय में। अगला हमारा है 7 चैप्टर से सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। फर्स्ट अर्थ समिट हमारा जो कहाँ पे हुआ वो हमसे पूछा जाएगा, 1992 में हुआ ब्राज़ील जेनेरियो में। क्योटो प्रोटोकॉल पे जो जापान ने जो हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए, वो कब किए थे, 1997 में। विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ चलाया गया, ऑस्ट्रेलिया में। फर्स्ट डैम मूवमेंट जहाँ मैडकाउ बीमारी फैली, सबसे पहले मैडकाउ जो बीमारी थी वो कहाँ हमारी फैली है, इंग्लैंड में। विश्व का पहला तेल उत्पादक क्षेत्र सऊदी अरब। विश्व का दूसरा तेल उत्पादक देश कौन सा है, इराक। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ दी ऑयल तो वो हमारा आ जाएगा सऊदी अरब, और सेकेंड अगर आ जाए तो हमारा इराक आएगा। क्योटो प्रोटोकॉल से छूट प्राप्त करने वाला देश चीन और भारत। वह देश जिसने 1857-87 में मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए वो कौन थी, कनाडा। बांध नदी विरोधी आंदोलन के लिए जाने वाला देश भारत, जिसमें क्या हुआ, बांध के लिए इंदिरा गांधी नहर के महान क्षेत्र के ऊपर क्या किया गया, आंदोलन चला। और ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था जिसके अंदर लाखों गांव क्या थे, बहुत सारे गांव बाहर क्षेत्र में आ रहे थे। अगला हमारा अध्याय है वो हमारा है वैश्वीकरण से। वर्ल्ड सोशल फोरम की स्थापना जो है हमारी 2004 में बैठक में हुई, भारत में हुई, मुंबई में। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में हुई हमारी ब्राज़ील में। दूसरा, वर्ल्ड सोशल फोरम की 7वीं बैठक कहाँ पर हुई हमारी, 200 सन 2007 में नैरोबी कीनिया में। अगला है हमारा वर्ल्ड सोशल फोरम की फर्स्ट बैठक जो हमारी हुई हमारी ब्राज़ील में, वो याद रखिए 2001 में हमारी हुई थी। अगर यही हम बात करें आपसे, अब नेक्स्ट जो हमारा है इसके बारे में अगर हम बात करें, जो हमारा है क्वेश्चंस, सो हमारा अब हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से हमारा क्वेश्चंस है, जो चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग हमारा दूसरी बुक से जो हमारे स्टार्ट हो गए हैं क्वेश्चंस मैप के। अगर आप इस मैप को कर लीजिएगा तो आई होप कि पूरे आपके जो है 5 नंबर पूरे आएंगे बुक टू से। अब हमारा है सरदार वल्लभ भाई पटेल किस राज्य से संबंधित है, गुजरात से। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बनकर तैयार हुआ वो कौन सा था, अब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश हुआ था। और भारत का 29वीं राज्य कौन सा बना, 2014 में बना था बेटा तेलंगाना बना था, जब मोदी जी की सरकार आई थी पहली बार। और यहाँ के जो पहले जो सीएम थे वो थे चंद्रशेखर राव। वह राज्य जहाँ शासक बोधचंद मणिपुर से थे। 1920 में अधिवेशन राज्य कहाँ पर हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जिस राज्य में थे, कोलकाता पश्चिम बंगाल। वह राज्य जहाँ का शासक निज़ाम था, हैदराबाद निज़ाम, इसकी खुद की एक सेना थी जिसे राजाकार कहते हैं, ठीक है।
भारत विभाजन के समय भारत विभाजन के समय दो प्रांतों का बंटवारा हुआ हमारा, कौन कौन सा? बंगाल और पंजाब। हिंदी भाषा के विरोध में चल रहे आंदोलन वाला राज्य कौन सा था? तमिलनाडु में हिंदी को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। डीएमके दल का गठन करने वाले अन्नादुराई कहाँ से थे? तमिलनाडु से। 1960 में बने दो राज्य गुजरात महाराष्ट्र जो हमारे किससे? मुंबई प्रांत से बनाए गए थे। 1966 में बने दो राज्य वो कौन सा? हमारा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। 1972 में जो बनाए गए जो राज्य हमारे थे मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा असम से बनाए गए थे। 1963 में बनाए गए नागालैंड। 1987 में बनाए गए अरुणाचल प्रदेश मिजोरम और 2001 में बनाया गया 2000 में बने हमारे झारखंड छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड हमारे ये राज्य बने थे। ठीक है, अगला हम बात करें रजाकार। रजाकार मैंने आपको बताया निजाम के जो अर्धसैनिक बल थे उसे हम रजाकार कहते हैं। पोटी श्रीरामुलु जिन्होंने 56 दिन तक हड़ताल भूख हड़ताल पर रहे और उसके बाद भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे ही हमारा जिन रिया पाँच रियासत, तो पाँच रियासत कौन से है? रजवाड़े क्षेत्र कौन जिन्होंने भारत में मिलने से क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। अब इग्नोर किया भाई वो से हम क्या कहेंगे? तो कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, गुजरात, ठीक है, मणिपुर, ये सभी जो राज्य हैं वो क्या थे जिन्होंने भारतीय संघ में मिलने से मना कर दिया था? त्रावणकोरम, केरल, मणिपुर। अब आते हैं चैप्टर टू से हमारा जो दिया गया है एक दल के प्रभुत्व का दौर, मतलब कि एक पार्टी कब तक रही। अमृता प्रीतम का गृह राज्य कौन सा है? पंजाब से हैं। स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर, जो कि वो भी पंजाब से ही थी। विश्व की पहली लोकतंत्र के आधार पर 1957 में वामपंथी सरकार बनी, तो वो कहाँ बनी थी बेटा? केरल के अंदर। EMS नंबूर बाद मुख्यमंत्री गिरिराज किसे थे? केरल से थे। स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई वो कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से। ए के गोपाला का राजगिरी कहाँ था? केरल से। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर फर्स्ट गवर्नर कौन थे हमारे? सी गोपालाचारी वो तमिलनाडु से ही थे बेटा। हिंदी भाषा विरोधी तमिलनाडु में चलाया गया। डीएमके पार्टी तमिलनाडु में। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड चैप्टर है हमारा दूसरी बुक का नियोजित विकास डेवलपमेंट। पॉस्को इस्पात हमारा उड़ीसा से रिलेटेड है, जो कि हमारा प्लांट बिठाया जाना था जहाँ पर। 1968 में खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ? बिहार। हरित क्रांति से लाभान्वित राज्य हरियाणा और हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? गुजरात से, और जो कि किससे? दूध से, दुग्ध जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद चौधरी चरण सिंह जो राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। वह राज्य जहाँ नए लोकतांत्रिक पहल के नाम पर आंदोलन चला केरल। उत्तर पूर्व के दो राज्य जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे त्रिपुरा और मणिपुर। चौथे चैप्टर में अगर हम बात करते हैं, चौथे चैप्टर में हमारा है इंडियाज नेबरिंग रिलेशन जो थे हमारे किसके साथ थे? भारत चीन के बीच जो युद्ध हुआ वो हमारा कब हुआ? 1962 में, जिसमें क्या हुआ हमारा, और ये किस बेस पे हुआ था? हमारे जो लद्दाख के क्षेत्र को क्या कहा गया? अक्साई चीन। एंड अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा गया? नेफा। 1950 में चीन ने जिस क्षेत्र पर कब्जा किया उसे क्या कहा गया? तिब्बत कहा गया, क्योंकि तिब्बत में उन्होंने कब्जा किया था। दलाई लेम्बा कहाँ के जो नेता थे वो थे हमारे तिब्बत के थे। वह देश जहाँ बांडुंग सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया, पहला एफ्रो एशियाई सम्मेलन, फर्स्ट एफ्रो एशियाई सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ। 1971 में आज़ाद देश जो पहली बार पाकिस्तान का भाग था वो था बांग्लादेश। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ पोखरण राजस्थान में। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में कहाँ हुआ? राजस्थान में बेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कांग्रेस की प्रणालियां और चुनौतियां, चैलेंजेस एंड रीस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस। लाल बहादुर शास्त्री वो कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से।
जगजीवन राम जो कहाँ थे थे बेटा, वो बिहार राज्य से थे। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी संस्थापक कौन थे? जगजीवन राम। वीवी गिरी कहाँ से थे? आंध्र प्रदेश से। मोरारजी देसाई गुजरात और काम के कामराज तमिलनाडु से। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे बेटा? वीपी सिंह, जो कि कहाँ थे बेटा? बिहार से ही थे। दोपहर के भोजन की शुरुआत करने वाला पहला राज्य वो कौन सा है? हमारा मिड डे मील जिसे हम कहते हैं, वो हमारा कौन सा है? तमिलनाडु में। वह राज्य जो कि सबसे पहले मद्रास कहते थे, तमिलनाडु, ठीक है। बीएसपी दल का प्रभाव कहाँ पे था? उत्तर प्रदेश के अंदर। जयप्रकाश नारायण रिलेटेड टू द स्टेट बिहार, राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश से थे। और 1967 में चुनाव में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहाँ की पार्टी थी? पंजाब की, हम पी भी लिख सकते हैं। वह राज्य जहाँ पर 1967 में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, तो वो कौन कौन सा राज्य था? हम आपको बताते हैं, राजस्थान में उनको बहुमत नहीं मिल पाया था, और इस बार भी जब चुनाव हुए 2024 में तो भी उसमें उनको बहुमत नहीं मिल पाया। कर्पूरी ठाकुर जो थे वो कौन से राज्य से थे? वो हमारे बिहार से ही थे। वह राज्य जो कि 1967 में कांग्रेस से छोड़कर अन्य सदस्यों की सहायता से विपक्षी बन गए, हरियाणा और मध्य प्रदेश नेशनल कॉन्फ्रेंस। छठा चैप्टर हमारा है बेटा डेमोक्रेटिक सर्जन। आर्टिकल 370 कहाँ पे इससे रिलेटेड है? जम्मू कश्मीर से। नक्सलवादी आंदोलन कहाँ चलाया गया? पश्चिम बंगाल में। फारूक अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला कहाँ से थे? जम्मू कश्मीर से। सबसे पहले छात्र आंदोलन 1974 में चलाया गया गुजरात और बिहार से। चारू मजुमदार कानू सन्याल पश्चिम बंगाल से थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में चलाया गया। अकाली दल कहाँ से है? पंजाब से। जन आंदोलन हमारा कहाँ से है? चिपको आंदोलन हमारा उत्तर प्रदेश, चिपको आंदोलन हमारा है बेटा यूके से होगा। दलित पैंथर हमारा महाराष्ट्र से। किसान आंदोलन हमारा महेंद्र सिंह टिकेत उत्तर प्रदेश से थे। सरदार सरोवर डैम गुजरात से हुआ। नेशनल फिश वर्कर आंदोलन केरल में। वह राज्य जहाँ पे मजदूर का बनाया? राजस्थान। क्षेत्रीय आकांक्षाएँ क्या क्या है हमारी? द्रविड़ आंदोलन तमिलनाडु में चलाया गया। लाल डेंगा कहाँ से थे? मिजोरम से थे। ई वी रामास्वामी पेरियार वो किस राज्य से थे? हमारे तमिलनाडु से। आंसू संगठन कहाँ बनाया गया? असम में। ये स्टूडेंट का यूनियन था जिसके अंदर स्टूडेंट की डिमांड ये थी कि उन्हें जॉब दी जाए, और ये माइग्रेंट से बहुत ज़्यादा परेशान थे। आगामी जापू फीजे कहाँ के थे नेता? नागालैंड के। ऐसे दो राज्यों जो आज़ादी के समय भारत के भाग नहीं थे, मणिपुर और त्रिपुरा। 1887 में भारत में विलय कौन हुआ? गोवा हुआ था। भारत का 22वां राज्य सिक्किम है हमारा। वह राज्य जहाँ माना जाता है कि ब्रिटिश इंडिया का भाग नहीं था? मिजोरम। तो ये था हमारा क्षेत्रीय आकांक्षाएँ से। और लास्ट चैप्टर जो हमारा है बेटा आज का, जो हमारा लास्ट चैप्टर न्यू ट्रेंड्स ऑफ पॉलिटिक्स। वीपी सिंह जो हमारे थे उत्तर प्रदेश से। वह राज्य जहाँ नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने? बनारस उत्तर प्रदेश। अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ से थे बेटा? राजगृह, बीजेपी से पार्टी से थे। वह राज्य जहाँ का व्यक्ति HD गोड़ा भारत के प्रधानमंत्री कहाँ से थे? कर्नाटक से। तो हमने इसमें जो क्लास ट्वेल्थ के लिए जो हमने जितने भी जो क्वेश्चन किए हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए और पॉलिटिकल साइंस में, ये हमारे जितने भी क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवाइज़ कीजिए और आपके 5 नंबर बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे। और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और इट डजेंट मैटर कि ये हिंदी में मैंने बताया है चाहे इंग्लिश में बताया है, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। 5 नंबर आपके हाथ में, अगर आप इसे करना चाहते हैं तो ईजली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आई शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच बेटा।